क्या क्लोरोफॉर्म अभी भी यूज किया जाता है लोगों को बेहोश करने के लिए? वैसे शायद आपको यकीन नहीं होगा कि अभी तक साइंटिस्ट को भी नहीं पता चला कि आखिर बेहोशी की दवाई काम कैसे करती है। दरअसल क्लोरोफॉर्म को बेहोशी के लिए अभी यूज नहीं किया जाता। क्लोरोफॉर्म को इस्तेमाल करने से दरअसल हार्ट फेलियर जैसी कॉम्प्लिकेशन सामने आई। मैं आपको बता दूं कि पेशेंट क्लोरोफॉर्म की बेहोशी से स्टेज 3 की एनेस्थीसिया से स्टेज 5 की एनेस्थीसिया में चले जाते थे, क्योंकि स्टेज 3 और स्टेज 5 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब अगर आपको स्टेज 3 और स्टेज 5 की एनेस्थीसिया में फ़र्क नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं कि स्टेज 3 की एनेस्थीसिया में पेशेंट फिजिकली इनकैपेबल हो जाता है और उसे पेन नहीं होती, लेकिन स्टेज 5 की एनेस्थीसिया में चेस्ट की सभी मसल्स पैरालाइज हो जाती हैं, जिस वजह से पेशेंट की मौत हो जाती है। किसी भी स्किल्ड डॉक्टर के लिए कम से कम 5 मिनट लगते हैं पेशेंट को स्टेज 3 में ले जाने के लिए, और इस वजह से 20th सेंचुरी के मिडल में क्लोरोफॉर्म को ईथर से रिप्लेस कर दिया गया, जो कि आज भी कई डेवलपिंग नेशंस में यूज़ किया जाता है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्लोरोफॉर्म और ईथर दोनों का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें हेलोथेन और डेसफ्लोरेन जैसी सेफ ऑप्शंस एनेस्थीसिया के केस में मिल गई है।